Assalam-o-Alaikum students welcome to english class in this video i will introduce you past continuous tense fail mazi jari this is very easy and simple tense so keep on watching till the end subscribe my channel thumbs up comment and share my video what is past continuous tense it is used to express ongoing action इन पास्ट टाइम माजी में काम का जारी होना ज़ाहिर करता है उर्दू में पहचान इसकी देखते हैं कि क्या है उर्दू फ़िकरत के आखिर में रहा था रही थी रहे थे आता है और इंग्लिश में देखते हैं इसकी पहचान क्या है इंग्लिश में वाज़ या वर यूज़ होता है सिंगुलर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है सिंगुलर है तो उसके साथ वॉज और अगर सब्जेक्ट क्लूलर है तो उसके साथ हेल्पिंग वर यूज होगा लेट्स सी द फॉर्मूला ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट। वॉट इज सब्जेक्ट सब्जेक्ट इज अ पर्सन हु वर्क्स जुमले में काम करने वाला फाइल जो है वो सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर में से कोई एक अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वाज, अगर सब्जेक्ट प्लूलर है काम करने वाला एक से ज़्यादा है तो उसके बाद वर यूज़ होगा फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आई एन जी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कंटिन्यूस के जितने भी टेंसेज हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी यूज़ होगा फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है ऑन विच वर्क इज़ डन जिस पे काम हो जिससे मुतल काम हो अब नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला देख लेते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वॉज़ या वर में से कोई एक फिर ये हेल्पिंग वर्ब है ठीक है वॉज और वर् इनके बाद फिर नॉट यूज़ होगा फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट उसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज़ या वर इनमें से जो भी लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वो पहले आ जाएगा फिर सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको कहते हैं और फिर ऑब्जेक्ट अब इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं शी वॉज कुकिंग ऑल मॉर्निंग ये सिंपल सेंटेंस है पॉजिटिव है इसका नेगेटिव होगा शी वॉज नॉट कुकिंग ऑल मॉर्निंग और इंट्रोगेटिव होगा वॉज शी कुकिंग ऑल मॉर्निंग फिर नेक्स्ट सेंटेंस है शी वॉज स्लीपिंग वैन ही केम नेगेटिव शी वॉज नॉट स्लीपिंग वैन ही केम इंट्रोगेटिव वॉज शी स्लीपिंग वैन ही केम सो दैट्स इट थैंक्स फॉर वॉचिंगाफिज